नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित न्यूज के बारे में और साथ ही साथ 9th और 11th के नए टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, 1 से 8 तक परीक्षाएं होगी रद्द, 1 अप्रैल की सबसे बड़ी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि सर 9th 11th की परीक्षाएं कब होगी, बोर्ड की परीक्षाएं वापस होगी या जो बची है वही होगी। दोस्तों, 1 अप्रैल की सबसे बड़ी खबर लेके आया हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार पधार रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लेटेस्ट न्यूज क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से यह आदेश निकाला गया है। इस कार्यालय के समसंघ के आदेश दिनांक 22/3/2020 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं समस्त संस्थानों को तत्काल प्रभाव से दिनांक 31/3/2020 तक शासकीय निर्देशानुरूप लॉकडाउन के तहत पूर्णतः बंद रखे जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40/3/2020 दिनांक 24/3/2020 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक जयपुर दिनांक 26/3/2020 के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं समस्त संस्थानों में लॉकडाउन हेतु निर्धारित समयावधि एतद् द्वारा दिनांक 14/4/2020 तक वृद्धि की जाती है। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल तक, पहले 31 तारीख तक विद्यालय बंद थे, सभी कोचिंग संस्थान वगैरह बंद थे, लेकिन अब इसको 14 अप्रैल तक, आपको पता है जैसे कि देश में लॉकडाउन है तो बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अब जो है, यदि 14 अप्रैल के बाद में भी लॉकडाउन बढ़ता है तो आपके एग्ज़ाम और भी लेट होंगे। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल के बाद भी यदि राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों, लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपको पता है, और ये चिंताजनक बात है हमारे सबके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 से 8 तक की परीक्षाएं हो चाहे नहीं हो, इन पे अभी संशय दोस्तों हो सकता है, रद्द हो सकती है, लेकिन यदि हो नहीं हो, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, 1 से 8 वाले विद्यार्थी जितने भी है, आपको पढ़ाई जारी रखनी है, आपका पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा। हो सकता है दोस्तों आपको डायरेक्ट पास कर दे, लेकिन अगली क्लास में जाओगे तो वो पढ़ा हुआ काम आएगा। और दोस्तों, मैं बात करूं 10th और 12th की, तो दोस्तों आपके जितने भी पेपर बच गए हैं, 10th के 2 पेपर और 12th के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर बचे हुए हैं, तो आपकी परीक्षाएँ निश्चित रूप से होंगी, जब भी होगी, ये कहीं कहा नहीं जा सकता। अभी कितने दिन का लॉकडाउन और लग जाए पता नहीं है, लेकिन आपकी परीक्षाएं 100% होने वाली है दोस्तों, आपको डायरेक्ट पास नहीं किया जाएगा। तो आप अपनी 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई को अच्छी प्रकार से कर लें, बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी कर लें दोस्तों, आपकी परीक्षाएँ होने वाली है दोस्तों। वही मैं बात करूँ 9th और 11th की, जी हाँ दोस्तों, 9th और 11th की, तो 9th और 11th की परीक्षाएँ भी हो सकती है रद्द हो, और इनको अगली क्लास में प्रमोशन मिल जाए। अगली क्लास में दोस्तों क्या मिल जाए? प्रमोशन मिल जाए, लेकिन वह कब मिलेगा? जब 10th और 12th की परीक्षाएं लेट होगी। 10th और 12th की जितनी परीक्षाएं लेट होनी है, वो 9th और 11th की परीक्षाओं पर असर पूरा पूरा पड़ने वाला है। जितनी लेट होगी उतना ही रद्द होने के चांस बढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 9th और 11th को भी अपने सब्जेक्ट की लगातार तैयारी करनी है दोस्तों। अभी राजस्थान सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, बाकी जितने भी सरकारें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश भी निकाला जा चुका है, लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसा अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला है। जैसे ही आदेश आएगा, आपको तुरंत रूप से सूचना दे दी जाएगी दोस्तों। इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।